1949 में हिमाचल राज्य परिवहन HGT के गठन के बाद 2 अक्टूबर 1974 को परिवहन विभाग का पूर्ण गठन हुआ, जहां 1984 में पंजीकृत वाहनों की संख्या केवल 4,864 थी, वह अब 2022 में बढ़कर 19,13,000 हो गई है। कुशल सेवाओं और योजनाओं से भरपूर हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग अग्रसर है प्रगति की ओर। अब नहीं इंतजार करना पड़ेगा लंबी लाइन में, परिवहन की आवश्यक सुविधाएं अब ऑनलाइन हैं। आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने परिवहन संबंधी अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मोटर वाहन से संबंधित करों को युक्तिसंगत बनाया गया है और 1 जनवरी 2022 से परिवहन विभाग के तहत ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौर में आपकी परेशानियों से नहीं हम अनजान, तभी तो की 100% छूट प्रदान। 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, शैक्षणिक संस्थानों की बसों के टोकन टैक्स, विशेष रोड टैक्स और यात्री टैक्स में 100% छूट दी गई है। स्टेज कैरेज ऑपरेटरों को अपनी बसें सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए इंटरवेंशन सबवेंशन स्कीम ऑन वर्किंग कैपिटल लाई गई है, जिसमें अभी तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से 11 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। राज्य के विकास में विभाग ने अहम भूमिका निभाई, नई योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ किया 1500 करोड़ का योगदान। उपलब्धियों की संख्या यही नहीं रुकती, पिछले 4 वर्षों में विभाग ने प्रदूषण केंद्रों व चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर जनता की सेवा में अर्पित किया सराहनीय काम। चालन प्रशिक्षण ड्राइविंग टेस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। 90,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी। हिमाचल में महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। सफर छोटा हो या लंबा, सुखद होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना के साथ साथ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेंट अ कार योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दी अन्य सुविधाएं। प्रदेश में विद्युत वाहन गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीति। राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। सड़क सुरक्षा विभाग का मुख्य फोकस रहा है NHAI और PWD के माध्यम से दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट का सुधार किया जाएगा। सड़कों पर अनुशासन बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग को 75 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सड़कों का विस्तार और गति सीमा फिर से तय की गई है। 2022 से 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के लिए सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम। निगरानी केंद्र के कार्यान्वयन के लिए CDAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भारत सरकार की परियोजना के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों की आवाजाही की निगरानी करेगा। ऐसी कार्यात्मक योजनाओं और विकास के साथ विभाग ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और कुशल सेवा के साथ प्रगति की दिशा में हम निरंतर कार्यरत हैं।